आज़ादी के बाद से कई एक जिसको कहते हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेप्स सरकार की सरकार जो और उसको पहले ज़मींदारी थी लोगों पर, तो ज़मींदारी साफ हो गया तो उसमें जो ज़मीन उमीन था कुछ उसके मिला जुला करके वो भी चला गया। उसके बाद लैंड सीलिंग हो गया, लैंड सीलिंग हो गया तो उसमें भी सीलिंग कर दिया कि इससे ज़्यादा अपने इधर उसमें लोगों का लैंड चला गया। उसमें जिसको ज़्यादा घर में बच्चा उच्चा हो गया उसका हालत खराब हो गया। तो मेरा ये कहना है जो गरीब आदमी को हमको ये नहीं कहना है कि अनुसूचित जाति को मिल रहा है, फिर उसको दीजिए उसको सारी चीज़ें, लेकिन जो तथा कथित बढ़ करके कुछ आदमी नहीं है जो पहले जैसा था गरीब जैसा वो गरीब है वैसा ये गरीब हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि महिला को जात पूछ करके जो वहाँ पुलिस मारी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। होता क्या है ब्रिटिश के टाइम में भी ऐसा नहीं होता था, महिला को नहीं मारता था, मर्द को मारता था जो पकड़ते लेकिन महिला को तो नहीं मारता था। तो मतलब बिहार में पहली बार ऐसा देख रहे हैं आप? अंग्रेज से भी बदतर हो गई सरकार, अंग्रेज से भी बदतर हो गई। डॉक्टर साहब एक आरोप लगते हैं, आप जब भी स्वर को मुखर करते हैं तो आपके स्वर को दबा दिया जाता है कुछ कह करके कि आप राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, इस बार कहाँ तक अड़िग है, लगता है कि आप आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं? कोई राजनीतिक लाभ तो लेना नहीं है, राजनीतिक लाभ के लिए हम नहीं बोलते, जो देखते हैं उसको बोल देते हैं यही। और इस बार इसको आगे तक ले जाएंगे, हम कभी नहीं सोच सकते कि किसी जात पूछ के किसी जात के औरत को और उसको आप पुलिस मारना शुरू करें इससे खराब कुछ पुरुष पुलिस पुरुष नहीं पुरुष।